भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव निमित्त चौथी रात्रि में प्रवेश कर सभी भक्ति से भाव श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज एक बार फिर भगवान की कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं। उस गोवर्धनहारी और कृष्ण बाल स्वरूप में होकर सभी के हृदय में विराजमान करेंगे। उस भगवान की कथा को श्रवण करने पूर्व चले जाना। रिद्धि सिद्धि दाता प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी का हम वंदन करते हैं। तो हम एक संग में होकर अपने कोर को जोड़ते हुए गणेश भगवान की प्रार्थना द्वारा चले आज की कार्य को हम शुभ रंग कर
चरण सरोज रज निज हर मुकुर Thank you.
Hare Krishna,
चले आप आरती को दर्शन करते रहे एक कीर्तन उसके बाद एक वंदना की कथा पूर्ण आरंभ करेंगे। मीठे रस से भरो राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन करो करो गंगा जी पानी राधा जी की
राजधानी लाके राजधानी Thank you.
राम कृष्ण प्रभंस भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के धनों प्रणाम करते हुए आज इस रात्रि को शुभ बनाते हुए भगवान की कथन को श्रवण करने के निमित्त हम उपस्थित हुए हैं। धन्य सब प्राणी मात्र जो अपने समय को निकालकर और कथा में अपनी रुचि लगाने के निमित्त इस सुंदर भवन तक विराजे हैं। तो हम चलते हैं कथा की ओर और कल जहां से कथा को हमने छोड़ा था वहां से आगे की कोई कथा आती है, क्योंकि आज जहां की कथा हमने निकाला है सत्तासुर राक्षस की वध, सत्तासुर राक्षस उसके तलक पहुंचने से पहले आप सोचेंगे ये सत्तासुर राक्षस कौन था, ठीक है। तो हम प्रथम लेख चलेंगे जहां से कल हमने कथा को छोड़ा था, पुतना का वध भगवान ने किया, ठीक। श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, गंगा तक किनारे बैठे हैं सुंदर सुंदर अपने मुखारविंद से कथन को श्रवण कराते हुए और उस सुंदर कथन को श्रवण करे राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से ये प्रश्न करते हैं, ठीक है प्रभु, वो लीला तो तुमने बताई कि आंख मुंदने के कारण थी कि वो प्रेम में न पड़ जाए, तुम का वध न कर पाए, लेकिन जो मुख्य कारण था वो क्या कारण था। तो कृष्ण भगवान बतलाते हैं कि माफ करना, शिवदेव मुनि बोलते हैं कि हे राजन, कभी रे लोग गाते हैं, क्या गाते हैं कि सीरत ना हो जिसमें सीरत ना हो जिसमें वह सूरत फिजूल है, सुगंध ना हो जिसमें वह कागज का फूल है, सीरत ना हो जिसमें वह सूरत फिजूल है और सुगंध ना हो जिसमें वह कागज का फूल है। कागज का फूल में कभी महक आएगा नहीं आएगा, और जो सूरत में सीरत ना हो, सीरत का अर्थ होता है कि जिनका मन पवित्र हो। पुतना का तो रूप सुंदर था, अति सुंदर था, त्रिवेणी रूप जैसे कल मैंने बताया त्रिवेणी रूप को बनाई थी, लेकिन उनका सीरत सुंदर नहीं था, इसी कारण कि भगवान ने अपने आंख को नहीं खोला। उनको नहीं ताकते हैं कि जिनका सिर्फ सूरत ही सुंदर हो परंतु सीरत ना सुंदर हो, उनके लिए प्रभु आंख कभी नहीं खुलते हैं, आंख मूंदे ही रहते हैं। इसी कारण संसार में लोग आपका सिर्फ सूरत है। संसार का ये हम एक दूसरे की सूरत की बात नहीं करते हैं, ये संसार का सूरत है, उस संसार का सूरत। आज एक रंग हम देखेंगे, कल उसका दूसरा रंग आपको देखने को मिलेगा, ये होता है। आज एक रंग में भेंट होगा, कल दूसरा रंग में भेंट होगा। इसीलिए एक सुंदर कवि ने गाना को भी बड़ा ठीक से कहा कि दिल को देखो चेहरा को ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरा तो लाखों को लूट लेते हैं, लाखों आपको मिलेंगे कई रूप कई नजर वाले, लेकिन वो दिल को दिखना जरूरी है, जिससे भगवान रमते हैं कृष्ण भगवान। बिकॉज ये तो कन्हैया जो इश्क लड़ाते, इश्क लड़ाने के लिए दिल होना चाहिए, दिल।
होना चाहिए कि नहीं? अभी हम अभी प्रेमी प्रेमी जब मिलते तो उनमें क्या बोलते कि तुमने मेरा दिल ले लिया, मैंने तेरा दिल दे दिया। लेना देना इसे दिल के होता है ना? सूरत तो बोलते कि तुमने मेरा अपना मुंह दे दिया, मैंने तेरा, मैंने तुझे अपना मुंह दे दिया। नहीं, नहीं, दिल के बोलते। इसी कारण दिल सच्चा रखने के लिए तो भगवान कृष्ण से प्रेम निभाने के लिए दिल को अच्छा रखना चाहिए। दिल तो प्रेम होगा कृष्ण भगवान से, तब तो 16108 पटरानियां थी भगवान कृष्ण जी के। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण पुतना को अपने धाम पर करते हुए और उधर गोकुल वासी सब पुतना के शरीर को देखकर घबरा जाते हैं, परंतु क्या करते हैं, अपना काम पूर्ण करते हैं। उनको चिता तो बनाना नहीं पड़ा, क्योंकि जब वे धरती पर गिरी था को स्टोरी लंबी थी पुतना, और जब धरती पे गिरी तो हजारों पेड़ तो टूटते उनके ऊपर गिर जाती है, तो चिता बनाने के काम नहीं था, पेड़ के ऊपर गिर जाती है तो चिता हुए बन जाता है, चिता हुए बन जाता है। तो उनके सिर पे काट को छोटा कर पुतना को वहां पर आग लगा देते हैं, और आग लगाने पर पुतना के चिता से क्या होता है, प्रेषोतागण शुद्ध मुनि राजा परीक्षित को पत्राते हैं कि जब उनके चिता में आग लगी जो धुआं उठा, वो सुगंधित धुआं उठा, जैसे एक भागवत कथन के हवन की धुआं उठा है, उस महक था उस धुएं में, उस महक था। शुद्ध मुनि जी कहते राजा परीक्षित से, तब परीक्षित ने बोला क्यों? तब शुद्ध मुनि बोलते कि हे राजा ने भगवान जिसको छू ले, भगवान जिसको टच कर ले तो उनके शरीर से दुर्गंध नहीं हमेशा सुगंध निकलेगा, तो तुम्हें कभी जिंदगी में पेचिंग सेट इत्यादि लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भगवान तुम्हें टच कर ले तो भगवान के टच करने के लिए हमें भगवान के निकट तो जाना पड़ेगा, हाथ तो वो लंबा करेगा नहीं, हाथ तो लंबा करेगा तो भगवान के निकट तो जाना पड़ेगा। तो भगवान के निकट जाने के लिए तो इस संसार में क्या बनाए, प्रथम है भक्ति संतन कर संगा, प्रथम है भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंग, सत्संग पहला आता है। जब हम संत के संगत करते हैं, संतों के संगत करते हैं, भगवान की निकट जाने का सबसे पहला रास्ता जब संत के संगत करते हैं, और दूसरा तो बहुत ही सरल, रति मम कथा प्रसंग। रति कौन है? रति, रति कामदेव के नारी है, स्त्री है, कामदेव भगवान जिसको शिव जी ने भस्म किया था, शिव जी ने भस्म किया फिर उनका दूसरा जन्म, कामदेव का भस्म हो गया था, अब तो काम को फिर धरती पाना था, बिना काम को तो कुछ चलेगा नहीं, बिना काम का तो कुछ चलेगा नहीं कभी जिंदगी में, तो काम को तो फिर आना था। तो वो कहां पर आए, किसके बालक बने, ये भी मैं बताऊंगा, कल कल बताऊंगा। तब रति काम का स्त्री है, और रति का अर्थ होता है प्रेम, इसमें रीति लग जाए, हम उसमें रम जाए, तब हमें जो ये जो भक्ति के अनुसार जो दूसरा आता है, दूसरे भक्ति रति मम कथा प्रसंगा, तब ये जो रति आता तो ये रति हमें काम में नहीं लाना है, राम में लाना है। जो प्राणी रति को काम में ले लेते हैं वो राम में नहीं हो पाते, लेकिन जो राम में रति लगा देते हैं वे काम से मुक्त हो जाते हैं। ये भगवान की लीला होती है। तब शुद्ध मुनि जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने पैदा होते पहला लीला करते हुए पुतना का वध किया, पुतना यानी कि अहंकार,
अहंकार को अपने अंदर से निकालना सबसे पहला काम जरूरी है जीवन में करने के लिए। जब तुम्हारे मन से अहंकार अभिमान वो निकल जाएगा तब जीवन में आप आगे रास्ते की ओर बढ़ने लगेंगे। इसीलिए पुतना का वध, इसी कारण वाल्मीकि तुलसीदास जी के कीर्त रामायण में श्री रामचंद्र जी ने जब विश्वामित्र के साथ यज्ञ रक्षा के निमित्त जब चले तब पहला वध किसका किया, पहला अवतार किसका किया, कौन है राक्षस में, राक्षसी तारका, यहाँ पहला पुतना, त्रेता में तारका, यहाँ पुतना। देखिए वहां भी पहला स्त्री, यहाँ भी पहला स्त्री नारी। जब तारका आकर खड़ी हो गई आगे तब विश्वामित्र ने बोला, हे राघव ये भयंकर राक्षसी तारका है, इसका उद्धार करो। तो बाबा जी लिखते कि एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन हो जान नीचे पद को दीना। देखो भगवान के लीला में देखो मारते हैं और तारते भी है। भयंकर राक्षसी थी, कितना लोगों को सताती थी, लेकिन उनको मारा और तार दिया, सारे पाप से मुक्त हो गई, सारे पाप से मुक्त हो गई तारका। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत में जब विश्वामित्र ने राम को तारका मारने का उद्देश्य देते कि बोलते कि राघव ये तारका इसे मारो, तो राम जी कहते हैं रुक जाते हैं, क्योंकि वहां सोचते हैं, बोलते हैं कि मुनिवर एक स्त्री पर हाथ उठाना तो बहुत बुरी बात होता है, एक नारी पर हाथ उठाना ये बहुत बुरी बात होता है। तब विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि हे राघव ये बात मैं भी जानता हूं, लेकिन उस नारी को मारना बुरी नहीं होता है जो नारी ये सब पैदा करे, काम क्रोध मद लोभ ये सब जो पैदा करे, जो राक्षसीपन उत्पन्न करे, जो राक्षसीपन अपने पैदा करे, वो नारी को मारना पाप नहीं होता। इसीलिए हे राजन, हे राजकुमार, हे राघव इसको मारो। तो राक्षसीपन जो स्त्री जीवन हमारे उनको मारना पाप योग नहीं होता है, कुछ होता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे इस युग में, हमारे इस लोक में, हमारे नगर शहर में इस प्रकार की तो कोई नहीं है, सभी स्वयं माता यशोदा जबकि रोनी स्वरूप होती है सब। तो उसी भाव से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पुतना का वध कर करें और अहंकार अभिमान मिटाते हुए, और एक चीज रह जाता है करने को तो उनको इंतजार कर रहे हैं, और उसी कथा को हम लेकर चलेंगे। तो चले देखे दुआ क्या कहते हम शरण कर रही है। एक समय क्या होता है, माँ यशोदा कान्हा को पालना में झूला झूला रही है और उनका रूप को दर्शन कर रही है। तो धीरे से कान्हा एक साइड को हो जाता है, यानी कि अपने अंग को घुमाता है। तो माँ देखकर बहुत अत्यंत खुशी हो जाती है, यानी कि जब छोटा बच्चा था तो सिर्फ एक ही समान लेता था, तो अचानक से माँ देखती है कि कान्हा एक तरफ के घूम जाता है। तब दौड़ी दौड़ी नंद बाबा जी के पास जाती है, बताती कि हे स्वामी आज कान्हा ने ऐसे अपने अंगों को किया है, घूमा है। तब नंद बाबा जी
लेते कि क्या चाहते हो, ठीक है बहुत ही सुंदर बात है, क्या चाहते हो? तो माता यशोदा कहती है ये पहला उसका घूमने के निमित्त हमें बहुत बड़ा उत्सव मनाना चाहिए, पार्टी करना चाहिए, ना? अंग परिवर्तन, जिसके अंग उसके हम अंग परिवर्तन कहते हैं, जैसे पहला मूवमेंट शरीर का पहला मूवमेंट घूमना बालक का अंग परिवर्तन, तब उत्सव का नाम भी बन गया अंग परिवर्तन। तब नंद बाबा कहते माँ यशोदा से ठीक है कैसे कैसे, हाँ हमने तो अभी से सोच लिया है गोपियों वालों को बुलाएंगे, पूरे नगर को बुलाएंगे, भोजन बनाएंगे, सभी को अपने हाथ से परोसेंगे और गोपी ग्वाली आएंगे तो कुछ नाच गाना होगा हमारे बेटे के निमित्त पार्टी में, जैसे होती है जब पार्टी होता है तो बिना नाच गाना तो पार्टी एंड नहीं होता है ना, नाच गाना हमेशा लगा रहता है, अभी से नहीं है ये हमारे चलते आगे गोपी ग्वाली सब मिलकर नाचेंगे, लेकिन उस खुशी में कि भगवान की पहला मूवमेंट हुआ है, अंग परिवर्तन हुआ है, भगवान ने अपने अंग को हिलाया है, तो उसके निमित्त बहुत बड़ा उत्सव हो जाता है। तो क्या होता है, चल हम एक छोटी सी हरि नाम संकीर्तन करेंगे, इसके पश्चात कथा को आगे लेकर चलेंगे। आज मैं वो कीर्तन गाऊंगी जो मेरे भाई ने आज फेसबुक पर पोस्ट किया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ये कीर्तन आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ वो भी ज्ञान दीपक रामायण मंडली पर। कोशिश करूंगी कि मैं भरी भांति गा सकूं। कांधा बड़ा नट खट है मैं क्या करूं, I'm not afraid.
धन्यवाद श्रीमती उषा जी, बहुत सुंदर से कीर्तन। क्या होता है, बड़ी जलसा हो जाती है गोकुल में, धूमधाम से सब आते हैं और भगवान की उस अंग परिवर्तन के निमित्त वो पार्टी का नाम दे दिया भगवान की अंग परिवर्तन। वैसे तो हम जिसे मनाते हैं छठी इत्यादि और मुंडन इत्यादि मनाते हैं, फिर साल में बसठी इत्यादि ना, तब भगवान की हर लीला पर जो माता का प्रसन्न हो जाती तो वहां त्योहार बन जाता था। तो उसी प्रकार से प्रिय श्रोतागण, उसी प्रकार से उस त्योहार में जब सभी लोग आ गए
तब कान्हा का लीला देखिए कान्हा अब फिर भंडारा में लोग आ गए हैं। नन्ना बालक है पलना में था फिर रोने लगता है, माँ दौड़कर लेती है सोता। एक तो इधर बिजी है काम करने में क्योंकि जब घर पर ढेर मेहमान आ जाते हैं, हम जानते हैं ना स्त्री जानते हैं ना जानते सब कि घर पर जब ढेर मेहमान आ जाते हैं पुरुष तो बाहर आराम करते सब मिलते बैठते हैं, पर नारी जानती है घर के अंदर से किस प्रकार से काम करना, भोजन इत्यादि तैयार करना, सबको देना परोसना, ये सब कार्य एक नारी पर जब पड़ता है तो वो जानती है। और संग में अगर उनके हाथ में इधर एक बालक को दबाए संगे रहे तो और दुख पड़ जाती है। तो माँ यशोदा एक तरफ कान्हा को दबाए और दूसरी ओर से सभी जितने उनके घर आए थे न्योते पर सबको खाना परोसना चाहती है, सबको सेवा प्रदान करना चाहती है परंतु कर नहीं पाती है। कान्हा यहाँ पर है दूध को मांगते हैं, रोते हैं उनके बगल में है। तो माँ कहती कि अरे ए कान्हा तू 10 मिनट के लिए भी सो जा, मैं थोड़ा अपना काम पूरा करूंगी। बोलती है तब कान्हा मन में सोचता है कि हे माँ तू हमेशा मुझे यही बात बतलाती, जब भी मैं तुम्हारे गोदी माता हूँ तो तू कुछ काम करने लगती तो मुझे बोलती कि तू सो जा। ठीक है, सोने की नाटक करता है तो बहुत नाटक है, नाटक करने वाले लीला करने वाले कन्हैया है उनका नाटक का कोई पार नहीं पा सकता। इसलिए मीराबाई ने उनका नाम क्या रखा, मीराबाई ने कृष्ण भगवान का नाम क्या रखा, अरे नटवर नागन नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा अरे तू ही नागरे तू ही नंदा तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। ये गाती है मीराबाई और बोलती है कि नटवर है तू नटवर, तुम्हारा जैसा कोई नहीं है नटवर। तीनों लोक में नटवर का अर्थ क्या होता है, नट का अर्थ होता है एकता और वर का अर्थ होता है बेस्ट, सबसे ज्यादा सुपर से भी ऊपर। तो एक्टिंग में कृष्ण भगवान के अलावा कोई नहीं है, वो सुपर से भी ऊपर है एक्टिंग में। मीरा भाई उनका नाम नटवर स्वीकार करता है तो कहती कि हे नटवर नागर तुम जैसा लीला घर तुम जैसे नाटक करने वाले तीनों लोक में कोई नहीं है। तो माता को भी अपने नाटक दिखा रही है आखी मूंद लिए, तो माता फिर पलना में छोड़ दी तो रोने लगी। तो माता ने सोची ठीक है भीड़ भाड़ है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, बालकों में कहां सुलभ, अंदर घर में तो लोग आते जाते रहते हैं ना, देखे बोले जहां हल्ला वहां नहीं होता है अल्लाह, बोले जहां होता है अल्लाह वहां नहीं होता है हल्ला, ना बोले जहां होता है हल्ला वहां अल्लाह नहीं होता और जहां अल्लाह होता है वहां हल्ला नहीं होता है। तो भगवान जहां होता है इसी कारण उनका नाम है, क्या नाम है उनका, संत कारम उनका नाम है, शांत प्रभाव के। तो हल्ला इत्यादि नहीं मानते, रोने लगे फिर पल्ला में, माँ दौड़ी की अब क्या हुआ, तो उनको लगा कि भीड़ भाड़ कहां से मेरा बेटा है सो नहीं पा रहा है। तो बाहर जाती है तो एक स्कट को देखती है, स्कट यानी कि बैलगाड़ी, बैल तो उसमें लगी नहीं थी लेकिन गाड़ी खड़ी थी उसके ऊपर ढेर सारे दही माखन इत्यादि सब दूध लदे थे। ये भी लीला बतलाऊंगा कि कृष्ण भगवान का वह कौन लीला था, वह क्यों जाकर उस बैलगाड़ी के नीचे सोने की मां को उत्साह बनाया, क्यों घर में नहीं सोते, क्यों बैलगाड़ी के नीचे गए। ठीक है, क्योंकि उसको अगौर था अपने मामा का सत्तासुर,
बड़े कल कुछ महीने पहले मौसी आई थी, मामा तुम्हारे इंतजार था ना? मौसी को तो मैंने उनके धाम पहुंचा दिया, ठीक है मामा तुम भी आओ ना। तब मैया उनको उस बैलगाड़ी के नीचे सुला देती है, मंद मंद सुगंध हवा चल रही है, काना आंखें मूंद वहां पर पड़े हैं, लेकिन सो नहीं रहे हैं, आंखें मूंद है, दिखला रहे कि मैं सो रहा हूँ। कभी कभी बच्चे ये काम करते हैं ना, तो समझ जाना कि उनमें भगवान कृष्ण आकर बसा है। जब ये सब कार्य करते हैं तब उसी वक्त सत्तर सूर्य राक्षस पुतना के भाई थे, इसी कारण मामा बोला ना। अब मौसी बोली से तो मौसी भाई तो मामा लगी ना, तो बोले मामा ठीक है आओ। वो जितना राक्षस तो सभी मामा लगेंगे, जितना राक्षस थे या तुम्हें इस द्वापर में तो सभी तुमके मामा लगेंगे, क्योंकि कंस तो उनके सबसे बड़े मामा। तो सत्तासुर राक्षस जब आकर उस बैलगाड़ी में बैठ जाता है तो दबाने लगता है, तो कृष्ण भगवान ने अपने पांव को छुआते हैं तो वो बैलगाड़ी के संग और दही माखन के संग हुए कूड़ कर जाकर गिरकर और अपने प्राण को त्याग देते हैं, भगवान के चरण, भगवान के चरण छुआते हैं। देखिए सत्ता सुर को चरण मारा, ठीक क्यों? रामायण के अंतर्गत में अहिल्या उद्धार के निमित्त भगवान ने भी चरण लगाया था। क्यों चरण भगवान कौन सा लगाते हैं? इस भागवत कथा में भगवान ने भी एक ही जगह पे चरण से मारा था सत्तासुर को, और कहीं पे चरण से कोई नहीं मारा। रामायण में भी रामचरितमानस कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी ने चरण अहिल्या को छुआया। अहिल्या क्या थी? बुद्धिमता जड़ थी ना, और वही सत्तासुर है। सत्तासुर क्या है? जीवन का जड़ है, जीवन का जड़। अहिल्या बुद्धिमता जड़ थी, इसीलिए भगवान के चरण रस से उनका बुद्धि थी। लेकिन सत्तासुर है जीवन का जड़ था, तो जीवन का जड़ मिटाने के लिए लात मारना पड़ता है, लात, भगवान लात मारते हैं। जीवन का जड़ मिटाने के लिए भगवान लात मारते हैं, तब सत्तासुर को लात मारा है, तब वो गिर कर चित्रा कर पड़ जाती है प्रेस होता है। तो हम और पर जो बैलगाड़ी थी उसमें लात मारने का क्या क्या होता है? देखिए मैया ने वो बैलगाड़ी और कन्हैया का नीचे सोना का मैं बात बता दूं, ठीक है अंतिम बात, कि क्यों कान्हा उस बैलगाड़ी के नीचे गए। वो दिखाए देखो वो बैलगाड़ी जीवन का जड़ता सत्ता राक्षस राइट सत्तासुर, वो बैलगाड़ी उसके ऊपर क्या था? दही माखन, दही माखन ना, उसके नीचे भगवान। तो यही दर्शाते हैं भगवान की अगर जो हम भी अपने जीवन में वो जड़ता रखा सत्तासुर के तरह, वो जड़ता रखा भगवान को नीचे रखा, ये जो बैलगाड़ी हमारे ये शरीर है साधन है, साधन से तो भगवान ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जाए पर लोक सिधारे, यानी यही तो साधन है भगवान को धाम जाने के लिए ना, यही बोट है, यही बोट है, यही प्लेन है, यही ट्रेन है, ये सब कुछ है। जो रास्ता पकड़े मांगेंगे, ट्रेन के रास्ता, प्लेन के रास्ता, मोटर कोई रास्ता चाहे बाइसकल बनाए, ये सब वही है ना, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो उसी प्रकार से ये जो गाड़ी है ये हमारे शरीर है, लेकिन हम इसके ऊपर क्या रख देते हैं? क्या ये माखन, ये मिश्री, ये दूध, ये दही, ये माखन मिश्री दूध दही हमारे जीवन के क्या है? ये हमारे जीवन के भोग है, ये भोग हमारे जीवन के जो हम भोग करते हैं सिर्फ खाने का नहीं जाता है, ये जीवन का भोग का अर्थ होता है ये दूध दही, यानी कि भोग विलास में भी आता है, भोग विलास इत्यादि में आता है।
यानी कि हम अपने जीवन का जो सत्ता है उसे हटा नहीं पाए और इस दूध दही मलाई के जीवन में ही रेंगने लगे और भगवान की ही थोड़ी सी देखकर और जीवन को अपने भोग विलास में बिता दिए। तो भगवान ऐसी जीवन को क्या करते, दे मारते। जैसे फुटबॉल में लगता है शॉट, तो जो प्राणी अपने जीवन में सिर्फ ये दही माखन इत्यादि बनकर ये भोग इत्यादि विलास इत्यादि करते हैं, अपने जीवन को सत्ता स्वरूप बनाते हैं, तो भगवान उसको सुख मानते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बतराते कि हे राजन, ये भगवान की लीला है जो उधार में सबको परिपूर्ण कर रहे हैं। अहंकार अभिमान है, ये बुद्धिमता जड़ता हमारे जीवन से मिटाना बहुत जरूरी है। इसके लिए भगवान गोकुल में विराजे हैं, तो हम भी अपने हृदय गोकुल में करें, हृदय को गोकुल करें ना। दस इंद्रियां होती है, दस इंद्रियां है ना, गोकुल का अर्थ है इंद्राएं, इंद्रियां, गोकुल का अर्थ है इंद्रियां। तो दस इंद्रियां होती है, पांच कर्म इंद्रियां और पांच मन इंद्रियां, और इनके बीच में होता है हमारे मन हृदय, हृदय पांच इधर बीच में हृदय है। तो हृदय हमारे किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार आप बताओ, मथुरा से, हाँ मथुरा, मथुरा से गोकुल भगवान श्री कृष्ण जी किसमें गए, किसमें गए भगवान श्री कृष्ण जी, सूप में गए ना, वहां तो बोट लगी नहीं थी यमुना में कि वसुदेव बाबा उनको बोट में बैठा कर पार करें, एक सूप में रख कर, सूप साधु के पदार्थ होता है, साधु का रूप होता है, संत का रूप होता है सूप, यानी कि जो अच्छे को रखे और बुरे को फेंके, ये साधु स्वरूप होता है। उसमें भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल गए, तो उसी सूप स्वरूप हमें अपने हृदय में रखना है, तब भगवान कृष्ण भगवान इस गोकुल में आकर विराजमान होंगे। तो चाहे कितने पुतना, कितने शक्तासुर, भक्तासुर, हगतासुर, कोई सुर होए, कोई असुर होए, बाकासुर, काकासुर, कितना असुर है रावण के आगे पीछे सब असुर, हार नहीं रहा अक्तासुर, गा नहीं है इतना, वहां पे गा नहीं है इतना, क्या इतना ना तब ये सब असुर तो हृदय में रहेंगे, भगवान हरेंगे, सबको लगमा के निकालेंगे, तो तुम्हारे जीवन को सफली भूत बनेंगे। राधे राधे, देखो भगवान कृष्ण जी है ठीक, राधा के नाम देखो मुख में आई है ना, देवी की शक्ति, ये जितना काम किया अभी लेकिन भगवान छोटे हुए कि अकेले नहीं किया है, अकेले नहीं कर पाएगा, वो अकेले कभी नहीं कर पाएगा। पूतना जब आया राइट, जहर पीने के लिए तो बुलाया गया शंकर भगवान को, अब मारने का वक्त आया, अकेले तो नहीं कर पाएगा ना, तब राधा को याद किया कि हे रानी आओ, अपने बाह्य अंग से पुतना को मारते, बाह्य अंग में कौन हमेशा हमारे रहती है, जितने शादी शुदा लोग होते तो जानते कि हमारे बाह्य अंग में हमारे अर्धंगनी रहती है, वो हमारे आधा अंग रहते हैं, तब आधा अंग लेके तो भगवान कृष्ण को मार नहीं सकता, सकता सूर को तो मार नहीं सकता, तो राधा बुलाए कि आप हमारे और आधा अंग में जुड़ो, शक्ति वो प्रदान करो, तो वो माता राधा के शक्ति से कृष्ण भगवान ने पुतना और इस तसुर का उद्धार किया अपने सुतागर ने। तो हम भी उसे राधा सन भगवान श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में धारण करते हुए इस जन्माष्टमी को उत्सव को सुलभ बनाने की चेष्टा करेंगे। और धन्य सब प्राणी मात्र सुंदर भाव से कथा को श्रवण के अंतिम श्रेणी पर पहुंच चुके हैं,
तंगत फिर बहुत सुंदर कथन को हम कहेंगे भगवान की लीला के निमित्त कई प्रकार के तो लीला बहुत की है। ये तो कथा हमने क्यों निकाले बहुत कथा है तो जैसे हमने पहले बताया कि ये सात रोज आठ रोज की कथन नहीं है, सात साल आठ साल 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 हजार साल बीत जाएगा लेकिन भगवान का कथन रह जाएगा। ये सात रोज में तो अगर सिर्फ भागवत के नाम का ही हम कथा करेंगे तो वो भी नहीं हो रहा है, ये भागवत की ही बारे में कथा बताएं तो वो नहीं हो रहेगा। तो प्रिय श्रोता करें अभिमान अहंकार और बुद्धिमत्ता जड़ को मानना जरूरी था तो ये दो कथा हमने लिखा है। तो जीवन में हम ये कोशिश करें कि हम काम क्रोध मद लोभ इत्यादि छोड़े और बुद्धिमत्ता जड़ को मिटाए और भगवान को अपने हृदय में धारण कर और अपने हृदय को गोकुल बनाए। तो धन्य सब प्राणी मात्र चले हरि नाम संकीर्तन शांति पाठ। Thank you.
राधे कृष्ण भगवान ठीक है चले हाथ को जोड़ ले प्रार्थना करेंगे उसके बाद में कथा को हम शांति करेंगे बिहारी लाल की।